नहीं, हम पूरी आक्रामकता से के साथ जो है और सकारात्मकता के साथ जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो विपक्ष हमेशा उठाते आई है। और अभी जो प्रदेश के अंदर जो बदले हुए समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, खास रूप से जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उस तरीके से उसमें जिस तरीके से भाजपा की शिकस्त हुई है, उसमें हमें और मजबूती के साथ भी और ज़िम्मेवारी के साथ भी प्रदेश के विभिन्न मसलों को विधानसभा के अंदर उठाने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारे कर्मचारियों की है, चाहे हमारे पुलिस के कर्मचारियों की है, उनके पे बैंड से संबंधित है, चाहे हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी है, चाहे हमारे ओपीएस के कर्मचारी है। आज उनका एक यहाँ हमारी नॉलेज में एक उनका आज एक प्रदर्शन भी यहाँ पे रखा गया है। वैसे ही हमारे करणामूल आधार के जो है आश्रित परिवार के लोग हैं, और भी ऐसे बहुत से मसले हैं प्रदेश के अंदर जिसे हमें समय समय पर उठाने का विपक्ष प्रयास करते रहती है। मगर आप जानते हैं कि अभी सरकार का समय वैसे भी बहुत कम रह गया है और ये सरकार अब वेंटिलेटर पर अपने दिन गिन रही है। कुछ समय की ये मेहमान है, मगर उसमें भी अनशंट जो है वो बयानबाजी कर रही हैं, अनशंट जो है वो घोषणाएं कर रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और वो इस चीज़ को दर्शाता है कि ये वास्तविकता से, ज़मीन स्तर से, धरातल से बहुत दूर ये सरकार है और केवल लोगों को लुभाने के लिए और जो है निजी हथकंडे अपनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। मगर हम यही कहेंगे कि हम हर समाज के वर्ग की आवाज़ को उठाते रहेंगे, हर क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को उठाते रहेंगे और सर्वत्र हिमाचल का, सर्वत्र विकास का जो नारा है उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे।